कि आप फ्री क्यों करते हैं काम? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है तेरा भाई सिखाएगा ना, जो नहीं आएगा तुझे बताएगा ना। तो दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो फ्री में आज के डेट में वर्क कर रहे हैं, जो 20 रुपये में, 30 रुपये में, 40 रुपये में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रेशर्स हैं, उनको काम चाहिए। लेकिन क्यों यार, काम लेने के लिए आप फ्री में थोड़ी करोगे? फ्री में क्यों काम करना है यार, तुम एफर्ट दे रहे हो, टाइम दे रहे हो अपना, साथ ही साथ अपना दिमाग लगा रहे हो उस चीज़ पे, और सामने वाला भी आपके, आप कोई भी काम करेंगे सामने वाला बोलता भाई ये चेंज कर, वो चेंज कर। आपका टाइम इतना इम्पोर्टेंट है लेकिन आप वेस्ट कर रहे हैं। आप कोई कंपनी में जाके कॉलैब कीजिए, उनको बोलिए कि मैं आपके लिए डिज़ाइन बनाता हूँ। सिंपल सी बात है, मंथली कुछ ना कुछ वो आपको देगा, वो फ्री में नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी उधर बढ़ रहा है और साथ ही साथ कंपनी का भी काम बन रहा है। लेकिन क्यों ऐसे लोगों का काम करना है? हाँ यार, मैं तो काम दिला दो, तुम मेरा फ्री में काम कर दे। क्यों करना यार फ्री में? फ्री में करके क्या मिलेगा? हाँ, तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जो फ्री वाला रहेगा फ्री में काम करके निकल जाएगा, उधर एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, उधर अपनी वैल्यू उधर ही घट जाती है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर आज के डेट में अपनी वैल्यू बढ़ाना ही नहीं छोड़ता, कंपटीशन के चक्कर में 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये में काम कर रहे हैं। एक दौर था, एक टाइम था जब ग्राफिक डिज़ाइन की वैल्यू नहीं थी। ग्राफिक डिज़ाइनर्स उस टाइम पे काम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पे लोग वैल्यू नहीं देते, उस टाइम पे लोग ये नहीं सोचते थे कि हाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, ये करना है, वो करना है। लेकिन अभी के टाइम पे वैल्यू बढ़ी है। अगर जब वैल्यू बढ़ी है तो अपना भी वैल्यू बढ़ाओ। क्यों फ्री में जाके काम करना किसी के इधर? क्यों क्यों? हाँ, फ्री में आप क्या सोच रहे हो कि अगर मेरे पास इंटर्नशिप, मतलब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी का काम लिया जाए। आप कोई भी काम लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, उनकी कांटेक्ट में रहिए, कांटेक्ट में भी नहीं रह सकते हैं। आप डिज़ाइन देखिए, उनको डिज़ाइन को ड्रॉ कीजिए, खुद डिज़ाइन कीजिए और खुद प्रैक्टिस लीजिए। जब आप किसी क्लाइंट के सामने जाएंगे तो वही डिज़ाइन आप रिप्रेजेंट कीजिए, उसके सामने प्रेजेंटेशन दीजिए, वही डिज़ाइन की, वही डिज़ाइन के बताइए कि मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन किए थे। ये ज़रूरी नहीं है आप कोई कंपनी से कर रहे हैं, आपके डिज़ाइन, आपका माइंडसेट मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कंपनी के लिए काम करके दीजिए। आप रोज़ कितनी डिज़ाइन कर रहे हैं, कितने मिनट में डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या डिज़ाइनिंग में ला रहे हैं, इम्प्रूवमेंट क्या है, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। क्लाइंट को क्या चाहिए वो तो आपको बताएगा, बट कोई थीम पकड़ के, समझ लीजिए कोई, अभी समझ लीजिए आप फ्री में किसी के लिए जा रहे हो वर्क करने के लिए, तो फ्री में वर्क करेंगे तो आप, आपके हिसाब से वो अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको बताएगा। आपको एक तरह से एक्सपीरियंस मिला, आपका टाइम गया, लेकिन आपको कुछ बेनिफिशियल नहीं हुआ, और साथ ही साथ सामने वाले का काम हो गया। आपको ये भी नहीं बोलेगा, कल के टाइम पर कोई रेफरेंस भी वो नहीं देने वाला है फ्री में, इसकी गारंटी है। कितना रेफरेंस दे देगा? एक रेफरेंस, वो भी बोलेगा सामने वाले का सस्ते में काम करके दें। जितने में, अभी समझ लो तुमने फ्री में काम कर दिया किसी का, तो वो बोलेगा कि 20 रुपये में, 30 रुपये में, 40 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में काम करके दें। ऐसा क्यों करना है? क्यों करना है यार? लेकिन अगर तुम खुद जाओगे, पूरा एक गट्स लेके जाओगे, मेरे को इतना पैसा चाहिए, वैल्यू रखो यार, तुम उतना काम कर रहे हो, कंपनी को रिप्रेजेंट करके दे रहे हो। ये नहीं कि हाँ यार डिज़ाइन कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो खर्चा निकालना पड़ेगा। तुम खर्चा निकाल रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आपने किसी का फ्री में करके दे दिया या फिर किसी का सस्ते में करके दे दिया, तो क्लाइंट को आदत बन जाती है। जिस दिन आपने पैसे की डिमांड की, आपने बोला कि मेरा इतना पैसा बन रहा है, तो वो आपको छोड़ देगा, वन टाइम पेमेंट देके छोड़ देगा। फिर आपके जैसे कई और लोगों को ढूंढेगा जो फ्री में काम कर रहे हैं, जो सस्ते में काम करके दे रहे हैं। वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो फ्री और सस्ते वालों के पास जाएगा, क्योंकि उसका काम तो निकल के आ रहा है ना। आप ये चीज़ नहीं समझते हैं कि आपका, आप किसी का भी काम करके देते हैं तो पूरी कम्युनिटी पे असर पड़ता है। वो क्लाइंट के सामने उसकी इमेज बन जाती है ग्राफिक डिज़ाइनर की, कि हाँ ये बंदे लोग तो ऐसी है, ऐसे ही मिलेंगे, ये नहीं करके देगा तो कोई और करके देगा, अगर सस्ते में नहीं करके देगा तो किसी और से करा लूँगा, कोई तो फ्री में भी मिल जाएगा। क्यों करना यार? बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इंटर्नशिप देती है तो थोड़ा बहुत पैसा देती है, तो आप दूसरों का काम करके दे रहे हो तो पैसा क्यों नहीं डिमांड करते हो? फ्री में करना बंद करो यार, सिंपल सी बात है। चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, मोशन ग्राफिक, मोशन पोस्टर, कुछ भी कर रहे हो, एक फ़ोटो एडिटिंग भी आप कर रहे हो ना, तो पैसे की डिमांड करो। मार्केट जो प्राइस, तुम्हारे मार्केट में जो चल रहा है प्राइस, वो प्राइस के बेसिस पे आप डिमांड करो। अगर आप नए हो तो मैक्सिमम 70% लो, 100% मत लो, लेकिन 70% लो। क्यों? आप 100% वर्क तो कर रहे हो, लेकिन 70% इसलिए रहे हो क्योंकि आप फ्रेशर हो। ये ज़रूरी नहीं है यार कि हाँ तुम फ्रेशर हो तो लेना ही नहीं मेरे को,
को चाहिए नहीं पैसा भाई, मैं काम करके दूंगा। क्यों दूसरे का फ्री में काम करके देने का, किसी को आदत क्यों दिलाने का? क्लाइंट को हम ही आदत दिलाते हैं कि हमें फोकट में काम करके चाहिए। क्लाइंट पैसा देने के लिए तैयार रहता है। वो कहते हैं ना, हर चीज़ बिकती है, बेचने वाला चाहिए। तो चीज़ों को बेचो, अपने डिज़ाइंस को बेचो, अपने टाइम को बेचो। आप इतना पैसा लगा के ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो उसमें, और आप कल के टाइम पे जब मार्केट में उतरते हो काम के लिए, काम मांगने के लिए, तो आप पहले से यही ऑफर रखते हो कि हम तुम्हारा फ्री में काम करके देंगे। क्यों? मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो को क्या करोगे बोलो ना? हाँ, पोर्टफोलियो लेके उससे मैटर नहीं करता। कोई कंपनी आप कितना भी डिज़ाइन दिखा दीजिए, उससे मैटर नहीं करता। कंपनी के पास अगर जाएंगे ना, तो रिसेंटली आप क्या वर्क किए हो, या फिर आपको कोई डिज़ाइन देंगे, कोई थीम देंगे, उस बेसिस पे आप क्या आइडिया जनरेट करके दे सकते हो, वो आपका एक्सपीरियंस गिना जाता है। राइट टाइम, आप कौन सा थीम आप सामने वाले को दे रहे हो, आप क्या सजेशन दे रहे हो डिज़ाइन में, आप किस तरह से क्रिएटिविटी राइट टाइम में दिखा रहे हो। लोकल क्लाइंट को अपने काम से मतलब होता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल काम चाहिए तो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ। आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने आप को एक टास्क दो। जैसे कि अभी समझ लीजिए कोई टास्क हो गया, कोई चाय की कंपनी हो गई या फिर कोई और कंपनी हो गई, उस ये सोचिए कि वो कंपनी मेरे पास आएगी तो उसके लिए मैं लोगो किस तरह से क्रिएट करूँ, ये करीजिए ना। आप समझ लीजिए वो तो काम कर रहे हैं, आप फ्री में ही काम कर रहे हैं ना, तो खुद को टास्क दे के काम कीजिए ना, सिंपल सी बात है। या फिर अपने भाई को रिप्रेजेंट कर लीजिए, अपने जो पापा उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए, हाँ मेरे पापा का ये बिजनेस अगर रहेगा तो इस तरह से मैं क्या क्रिएटिविटी दे सकता हूँ, क्या पोस्टर डिज़ाइन कर सकता हूँ, उस बेसिस पे वर्क कीजिए ना। अगर फ्री में करना है तो ऐसा करिए ना, फ्री में करना है तो इस तरह से काम कीजिए, ना कि किसी को बोलिए कि मैं तुम्हारे फ्री में काम करता हूँ, आप मुझे कुछ मत दो, मैं आपके पास आऊँगा, काम करके दूंगा, आपको अच्छा लगेगा तो रेफरेंस देना। रेफरेंस कोई नहीं देता है, सिंपल सी बात है। आपके जैसे लोगों को ढूंढने लगते हो लोग कि मेरा फ्री में इधर काम हो गया, दूसरी जगह आऊँगा तो मेरा इधर काम हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। और जब तक आप मनी का ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे ना, तो आपको दुनिया समझ में नहीं आएगी। जब तक आप फ्री में काम करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, सामने वाला अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि आप उसका फोकट में काम कर दे रहे हो। आपको अगर दुनिया जाननी है, मार्केट जानना है, ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड जाननी है, तो आपको अपना प्राइस लेके काम करना पड़ेगा। विदाउट प्राइसिंग आप मार्केट जान नहीं पाओगे। लोग बोलते हैं कि आप फ्री में काम करो, कई सारे वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको काम नहीं मिलता तो आप फ्री में किसी लिए काम करो, आप पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाना है तो यार अपने आपको खुद को टास्क दो ना, क्यों फ्री में काम करना, काहे के लिए फालतू में खड्डा खोदना, जब पता ही वो खड्डे में कुछ मतलब नहीं है। आपको 10 काम देंगे, 20 काम देंगे, काम वैल्यू नहीं करता है यार। एक ही काम लो, अच्छा काम लो, उसी पे वर्क करो, उसी पे नाम करो। 10 काम लेके आप क्या करोगे? 10 काम में भी आप 10 रुपये कमाओगे। एक काम लो, 10,000, 20,000, 30,000 कमाओ, बस संतुष्टि रखो ना अपने दिमाग में। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ यार कि हाँ मुझे वो क्लाइंट ने बोला है मेरा फ्री में काम कर, या फिर कम पैसे में काम कर, मैं रेफरेंस देता हूँ। स्टार्टिंग पीरियड में हम लालच में आते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंस रह चुके हैं। इमोशन में ले जाएंगे, यार तू मेरा भाई है, तू मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे रिश्तेदार लगता है, दुनिया भर के झमेले आपको बताएंगे। आपको सिर्फ इसलिए झमेला बताएंगे क्योंकि आप उससे पैसा कम लो। अब वही पैसा कहीं वेस्ट होगा तो उन लोग को चलता है, लेकिन आपको देने के लिए उनको प्रॉब्लम आता है। तो सिंपल सी बात है, फ्री में वर्क करना बंद करो, स्टार्टिंग करो, स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, लेकिन फ्री में मत करो किसी के लिए। अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करो, अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको सेल भी करना सीखो। अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट होती है कहीं तो उसको सेल करना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हाँ फ्री में ही बांटते हैं फिर वो ग्राफिक डिज़ाइन की वैल्यू बहुत है, लेकिन वैल्यू तब होती है जब आप वैल्यू देते हो खुद को। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में खुद को वैल्यू अगर आप नहीं दे पाएंगे तो कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आपको वैल्यू नहीं देगा। आपसे आएगा, काम लेगा, आपकी पोर्टफोलियो आप बन रही है कि नहीं बन रही है उससे मतलब नहीं है, वो अपना काम निकल के निकल जाएगा। फिर कल के टाइम पे आप अगर उसके पास काम पे जाओगे, अपना प्राइस रखेंगे, तो आपको बोलेंगे, आपको कॉल करते हैं, फिर दूसरे दिन आपके जैसा एक बंदा उसके ऑफिस में दिखेगा। सिंपल सी बात है, काम कीजिए, नाम कीजिए, ज़रूरी नहीं है फ्री में फोकट में काम करना है। पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो खुद को टास्क दो, दुनिया को देखो, अपने आजू बाजू क्या चल रहा है उस बेसिस पे डिज़ाइन करो, सोशल मीडिया पे डालो,
अरे इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, एड कैंपेन है, वो सब को यूज़ करके क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। मार्केट में और कई सारे क्लाइंट हैं जो अच्छे हैं, जो आपके काम को वैल्यू देंगे, आपके प्राइस देंगे अगर आपका काम उनको अच्छा लगा तो। लेकिन ऐसा क्यों करना, फ्री में वर्क करके क्या मतलब है तुमको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम मत करिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पैसा लीजिए। आप स्टार्टिंग में कम ले रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट क्लाइंट को आदत दिलाइए कि हाँ मैं फ्री में वर्क नहीं करता। क्योंकि आज के टाइम में आपने अगर फ्री में वर्क बोला तो कल के टाइम पे अगर आप पैसा मांगेंगे तो आपकी वैल्यू से कम देगा, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है ना वो नहीं मिलेगी। और लोग बाद में बोलेंगे कि हाँ यार ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए लेकिन वैल्यू उतना नहीं है, ना कमाई है ना कुछ नहीं है, झंझट बहुत है, चेंजेस बहुत हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद को वैल्यू दो, पब्लिक अपने आप वैल्यू देना शुरू करेगी। खुद डिमांड करो, डिमांडिंग अपने आप आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं।